कन्वर्ट दिस नॉन लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर टू लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर. ओके, सो हाउ आई विल कन्वर्ट इट, वही है कॉमन प्रीफिक्स पहले देखेंगे. ओके, तो इसमें मीन्स कई तरीके से सोल्यूशन हो सकते हैं, तो ये सोल्यूशन वन मैं आपको करके दिखाता हूं. ओके, अगर आप देखो तो ये बी एस यहां पे कॉमन है, ये बी एस यहां कॉमन है, ये बी एस यहां कॉमन. ओके, अगर आप देखें, अगर ये तीन को मैं एक साथ लेके अभी चलूंगा, अगर आप तीन को एक साथ नहीं लेके चलना चाह रहे हैं, दो को एक साथ लेके चलना चाह रहे हैं, तो बी एस एस ए, बी एस एस ए ये कॉमन है, बड़ा टर्म, बड़ा मतलब लेंथी कॉम्बिनेशन आपको कॉमन प्रीफिक्स में मिल रहा है. ओके, तो चाहे इसको पहले बी एस एस ए को लेके आगे बढ़ जाइए, और चाहे जब भी बी एस को लेके आगे बढ़ जाइए. मैं लिख रहा हूं क्या होगा, एस डेराइव्स बी एस एस डैश. ओके, और चूंकि आपने बी एस लिया तो ये तीन तो यूज हो चुके हैं, क्योंकि एस डैश से तीन का आप रिमेनिंग पार्ट लिख दोगे, लेकिन ये ए नहीं लिख पाओगे, तो ए को यहीं से लिखना पड़ेगा. ओके, अब एस डैश को क्या बोलूंगा, एस डैश को क्या बोलूंगा, बचा हुआ क्या है, एस ए ए एस, वहां से क्या बचा हुआ है, एस ए एस बी, और वहां से क्या बचा हुआ है, सिर्फ बी. ओके, लेकिन अगर आप यहां देखो, आपने लेफ्ट फैक्टरिंग अप्लाई कर दी, लेकिन अभी भी क्या जो ग्रामर है ये लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो यहां पर ऐसे ऐसे ये क्या है, ये कॉमन पार्ट अभी स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या करोगे, इसको भी रिमूव करोगे. कैसे, मैं क्या करूंगा, एस बी एस एस डैश और ये ए, एस डैश से क्या, एस डैश से क्या, यहां पर ऐसे चूंकि एस डैश यूज कर लिया है, तो इसको डबल डैश कर दूंगा. रिमेनिंग पार्ट यहां ये है, यहां ये है, तो एस डबल डैश डेराइव्स व्हाट, ए एस एस बी, और चूंकि इन दोनों का कॉमन पार्ट आपने इसमें डील किया है, इस बी को नहीं, तो बी को एज इट इज ऐसे रखेंगे, और एस डैश से जो रिमेनिंग पार्ट था वो मैंने ऐसे कर दिया. ओके, तो इस तरीके से जो ये है, अब कहीं पर कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं बचा हुआ है. तो एक सॉल्यूशन तो मींस ये जो ग्रामर है ये क्या है, लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर है फॉर दिस गिवन ग्रामर. ओके, दूसरा एक सॉल्यूशन आप और लिख सकते हैं आप खुद से, क्या कि जिसमें पहले स्टेप पे आप, मैं ही लिख देता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर कॉमन क्या एज्यूम करूंगा, कॉमन एज्यूम करूंगा पहले इन दो का, बी एस एस ए बी एस एस ए. ओके, अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा, एस डिराइव्स बी एस एस ए. ओके, एक नया नॉन टर्मिनल एस डैश. ओके, एस डैश से इन दो प्रोडक्शन का कॉमन पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ए एस और क्या आया, ए एस और क्या आया, एस बी आया. लेकिन जब आपने एस से कॉमन पार्ट लेकर के मींस ए बी एस एस से एस डैश किया था, तो इन दो को डील करने का तरीका तो एस डैश से बता दिया, लेकिन एस ये दोनों डिराइव कर रहा है, तो आपको यही लिखना पड़ेगा, क्या बी एस बी और क्या साथ में ए. अब यहां देख लीजिए कुछ कॉमन है क्या, हाँ, अभी दोबारा, अभी पहली बार जब आपने लेफ्ट फैक्टरिंग अप्लाई की तो ग्रामर लेफ्ट फैक्टर्ड नहीं हुई थी, तो आपने अगेन लेफ्ट फैक्टरिंग अप्लाई की, तो यहां से क्या होगा यार, इसको क्या करेंगे, एस बी एस और एस, तो एस डैश तो मैं यूज कर चुका हूं, एस डबल डैश यूज करूंगा, चूंकि इन दो में मैं अप्लाई कर रहा हूं, ए अभी बचा ही हुआ है, तो उसको डायरेक्ट लिखूंगा, एस डबल डैश से क्या लिखूंगा, एस डबल डैश से जो रिमेनिंग पार्ट है, एस ए एस डैश, और यहां रिमेनिंग पार्ट क्या है, ओनली बी, और इसको तो एज इट इज लिख दूंगा, एस डैश डिराइव एस ए और एस बी. सो दिस इज द रिजल्टिंग ग्रामर. आप ये मेथड कर लें या आप क्या करें, ये दूसरा मेथड. ओके, एंड दैट्स डन.